हेलो फ्रेंड्स, हमिदास किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला घरेलू नुस्खा। तो जिन लोगों को डायबिटीज है और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती है, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। तो जो आज आपके लिए हम रेमेडी लेके आए हैं, अगर आप उसको रेगुलरली अगर लेते हैं, अपने डाइट में ऐड करते हैं, तो जो डायबिटीज है आपकी वो हमेशा ही कंट्रोल में रहेगी और धीरे धीरे करके वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आए, यूजफुल लगे, तो लाइक शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने 50 ग्राम मेथी दाना लिया है। तो मेथी दाना तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही फायदेमंद रहता है, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है, इसी के साथ कई चीजों के लिए ये फायदेमंद है, इसलिए हमें रोजाना डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब ये हमने नेक्स्ट लिया है अजवाइन। तो अजवाइन के भी कई फायदे होते हैं फ्रेंड्स, हम हमेशा जब रेसिपी में इसे यूज करते हैं तो आपको इसके फायदे बताते हैं। तो ये बहुत ही फायदा पहुंचाता है शरीर के लिए, और प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो इसके भी अनगिनत फायदे हैं। अब ये हमने लिए हैं भुने हुए चने। तो ये चने जो है वो हमें छिलके के साथ ही लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, इसमें कई सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। अब ये हमने ली है काली जीरी, जिसे ब्लैक क्यूमिन भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इजीली अवेलेबल है, आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। अगर आपको वहां पे नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लैक क्यूमिन के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं या फिर काली जीरी के नाम से सर्च कर सकते हैं, इसके भी कई फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी बहुत ही सारे फायदे हैं, एक औषधि ही है, जो ब्लड है हमारा उसको ये प्योरीफाई करता है, बंद नसों को ये खोलता है। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही कड़वा होता है और शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो लास्ट में हमने दालचीनी ली है। तो दालचीनी ये हमने जो एक बड़ी स्टिक होती है ना, उतने करीबन हमने इसको लिया है। तो इसके भी कई सारे फायदे हैं और उसके साथ ही ये जो सारी चीजें है ना, इसका जो टेस्ट है उसको एक बैलेंस देगा, जिससे आप इसे इजिली ले सकते हैं। तो अब गैस पर बर्तन लेंगे और उसमें हम ये मेथी के दाने लेंगे। तो इसको हमें चलाते हुए भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे और इसको चलाते हुए भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, मेथी जो है ना वो तो कई बीमारियों में काम आती है, सिर्फ शुगर के लिए ही नहीं, तीन चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, यहाँ तक कि वेट लॉस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो ये मेथी को हमने भून लिया है, इसे एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम उसी बर्तन में अजवाइन लेंगे और इसे भी ऐसे ही हमें लो मीडियम फ्लेम पर भुनना है चलाते हुए। ध्यान रखें, किसी भी चीज का हमें कलर चेंज नहीं करना है। हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इसीलिए भून रहे हैं जिससे किसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो इसे हमें कुछ सेकंड ही भुनना है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसीलिए भून रहे हैं ताकि इससे इसका मॉइस्चर तो खत्म होगा ही, उससे जो आप पाउडर बनाएंगे ना उसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी, यानी कि आप लंबे समय तक उसे रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो ये अजवाइन भी हमारी भुन गई है, इसे भी हम बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम दालचीनी को भून लेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक एक करके इसीलिए भून रहे हैं क्योंकि किसी चीज को भूनने में थोड़ा कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक एक करके ही सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें भूनना है। और बहुत ही कम समय में फ्रेंड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स भून जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसको भी हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे बर्तन में। अब ये हम भुने हुए चने लेंगे। तो चने तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, बस थोड़ा सा इसे भून लेना है जिससे कि मॉइस्चर खत्म हो जाए। और इस मौसम में फ्रेंड्स ऐसा होता ही है कि जो ऐसी चीजें होती है ना उसमें मॉइस्चर बन जाता है, स्पेशली इस टाइप का जब सीजन हो तब तो बहुत ही भुनना जरूरी रहता है। तो ये चने को भी हमने भून लिया है, इसे भी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब जो लास्ट में हमारी काली जीरी है उसको भी हम भून लेंगे। तो बाकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तो हम खाने में भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो काली जीरी है ना फ्रेंड्स, ये स्पेशली दवाई का ही काम करती ही है, ये एक तरह की दवाई ही है जो शरीर में कई बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये काली जीरी भी हमारी भुन चुकी है, इसे भी हम बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और सभी चीजों को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो अभी हमने मिक्सर जार लिया है,
जो हमने सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसे भुना था वो ठंडे हो गए हैं, तो इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंग्रेडिएंट्स को भुनने का एक और फायदा ये है कि ये भुनने से बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, इसका पाउडर है वो अच्छे से तैयार होगा। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मिक्सर जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो देखिए, ये पाउडर हमने तैयार कर लिया है, एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गया है, एकदम फाइन पाउडर ये पिस गया है। तो इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो पाउडर है आपका 1.5 से 2 महीना आराम से चल जाएगा। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, हमने सभी चीज़ों की क्वांटिटी आपको एकदम बराबर बताई है, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो देखें ताकि आप इसको अच्छे से फॉलो कर सके। तो ये जो घर में हम चम्मच यूज़ करते हैं ना, उसी से हमें इसको 1/4 चम्मच लेना है। और अगर आप छोटे वाले चम्मच ले रहे हैं तो फिर 1/2 चम्मच लीजिए। तो इसको लेना कैसे है, इसे हमें सुबह खाली पेट ही तुरंत लेना है। सुबह उठ के आपको इसको लेना है खाली पेट, और थोड़ा सा पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं, और उसके बाद आप 1/2 घंटे बाद खाना खाइए। अगर आपका जो शुगर है वो कम है, मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप 1/4 चम्मच छील लीजिए। लेकिन अगर ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है तो फिर आप 1/2 चम्मच इसको ले सकते हैं। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसको हमें रेगुलर बेसिस पे ही लेना है, यानी कि ऐसा नहीं करना कि एक दिन लिया फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, रोज रेगुलर लेना है। तो इसीलिए एक साथ ज्यादा पाउडर बना के रख लीजिए ताकि आप इसे रोजाना ले सके आराम से, और खत्म होने से पहले दूसरा बना के रख लीजिए। तो ये पाउडर तो बहुत ही फायदेमंद है ही आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ हमें कुछ डाइट का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर मीठे फल खा रहे हैं तो उसके साथ खट्टे फल भी खाए, और गेहूं की खाली रोटी ना खाए, उसके साथ आप चना, ज्वार, जौ, मूंग आदि वगैरह सब उसको मिक्स करके फिर उसकी रोटी बना के खाए, और चावल और चीनी का तो बिल्कुल भी सेवन ना करें इसमें। इसी के साथ आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा, उसको भी इंक्लूड करें। खाना टाइम टाइम से खाए, शाम को 7 बजे से पहले ही खाना खा लीजिए, और वॉक जरूर करें। तो सभी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये जो पाउडर है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ आपको अपने लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी जो आपका शुगर है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत ही आज की जो वीडियो है यूजफुल है, इसे जरूर ट्राई करें, और जो भी जरूरतमंद है उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आजकल जो शुगर की बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है, छोटे बच्चों तक ये फैल गई है बीमारी। तो जो हम दवाई वगैरह लेते हैं वो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, हमारे किडनी पे इफेक्ट पड़ता है उसका, लेकिन ये जो देसी इलाज है, देसी नुस्खा है, ये बहुत ही फायदेमंद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो रेगुलर इसका सेवन करें, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उस तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इसका सेवन कर सके, वो भी इसका फायदा उठा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है हमारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको फर्क लगा कि नहीं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।